क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हम दोनों भाइयों के संबंधों पर पड़ेगा। भैया सत्य ही तो कह रहे हैं। मैं यह उपस्थित सभी देवगणों से सबसे छोटा हूँ। मैं प्रथम पूज्य कैसे हो सकता हूँ? प्रथम पूज्य होने के लिए आयु महत्व नहीं रखती गणेश। मुझे लगा सभी तुम्हें निर्विरोध स्वीकार कर लेंगे। मैं गणेश का शत्रु नहीं हूं और ना ही उसका विरोधी। मैं तो केवल न्याय का इच्छुक हूं जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसे प्रथम पूज्य के रूप में देखना चाहता। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि वो मेरा अनुज गणेश ही हो। किंतु उतनी प्रसन्नता मुझे तब भी होगी जब देवराज इंद्र, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, मैं या कोई अन्य देव इसके लिए अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाए। प्रभु अब आपकी मध्यस्थता अनिवार्य है। ये समस्या तो जटिल ही होती जा रही है। देवताओं में प्रतिस्पर्धा शोभा नहीं देती। विशेषकर जब त्रिदेव किसी निर्णय पर सहमत। किंतु ये परिस्थिति ऐसी कि प्रतिस्पर्धा ही इसका एकमात्र समाधान है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं कार्तिक। यदि ऐसी नियुक्ति में किसी को पक्षपात का संदेह हो तो गणेश को प्रथम पूज्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकेगा। आप सभी प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार हो जाएं। जो अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करेगा वही प्रथम पूज्य घोषित किया जाएगा। परंतु प्रभु सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए देवगणों को क्या करना होगा? संसार की परिक्रमा करनी होगी। तीन बार जो इस परिक्रमा को सबसे पहले पूर्ण करे वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कल प्रातः अलकनंदा तट से ये कार्य आरंभ होगा। हे गणेश मैं आपसे पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षतिपूर्ति तो मैं कर नहीं सकता परंतु मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। आपके इस टूटे हुए दंत से भविष्य में एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस ग्रंथ से संसार को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो संसार का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा।
उस ग्रंथ की विशेषता ये भी होगी कि उसे लय और सुरबद्ध करना संभव होगा। मुझे आपका आशीर्वाद स्वीकार है। क्षमा माते, यदि आप गणेश पर प्रहार न करते तो संसार को उसके गुणों को देखने का अवसर नहीं मिलता। हम स्वामी के कथन से सहमत हैं। ऐसा करके आपने गणेश का उद्धार ही किया है। आप क्षमा नहीं, धन्यवाद योग्य है। पिताजी, आज जो भी मैंने किया उसे यदि आपको या मां को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं आपसे क्षमा चाहता। और यदि आप कणमात्र भी ये सोचते हो कि मैंने गणेश से द्वेष के चलते ये किया तो मैं प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लूंगा। पिताजी, मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहता। कार्तिकेय, तुमने जो किया वो उचित न्याय सम्मत किया। किंतु गणेश, यदि अब तुम इस पर्दा से पीछे हटोगे तो वो अपने कर्मों से पीछे हटने के समान होगा। किंतु अपने बड़े भैया के साथ प्रतिस्पर्धा की मेरी कोई इच्छा नहीं है पिताजी। पर्दा से नहीं पुत्र, पर्दा की ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति से बचना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती, जीतने की इस विवशता से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। किंतु स्मरण रहे पुत्र, अपने अवगुणों से प्राप्त हुई जीत क्षणिक होती, वो सच्ची नहीं होती, वास्तविक और चिरकालिक जीत तो केवल अपनी योग्यता और अपने गुणों से ही प्राप्त हो सकती। मेरी इच्छा है पुत्र, तुम दोनों प्रतिस्पर्धा के परिणाम की चिंता किए बिना स्पर्धा की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को त्याग कर केवल स्पर्धा में भाग लो और अपनी अपनी योग्यता को सिद्ध करो।